नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। दूसरों के दिलों में अगर आपको जिंदा रहना है तो उसका सबसे आसान तरीका है रक्तदान, क्योंकि यदि आप रक्तदान करते हैं तो आपके द्वारा दिए गए रक्त से अन्य लोगों को जिंदगी मिल सकती है। दुनिया भर में कोरोना का डर व्याप्त है, लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। ऐसे में कोरोना के कारण ब्लड बैंकों पर भी इसका असर देखने को मिला है। ब्लड बैंकों में रक्त की कमी सी दिखने लगी है, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित थैलीसीमिया ग्रस्त बच्चे तथा गर्भवती महिलाएं हो रही हैं, जिन्हें रक्त की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। रक्त की कमी के चलते किसी को परेशानी ना हो, इसका बीड़ा करनाल के युवा पंकज गाभा ने उठाया है। आपको बता दें कि पंकज गाभा पिछले कई दिनों से लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन करते आ रहे हैं। अभी तक वह 15 ब्लड बैंकों के माध्यम से करीब 400 यूनिट रक्त सामान्य अस्पताल में उपलब्ध करवा चुके हैं। पंकज गाभा द्वारा चलाई गई इस मुहिम में करनाल की एक अन्य सामाजिक संस्था निफा की गो ग्रीन विंग भी उनके साथ जुड़ गई है और लोगों को रक्तदान के प्रति प्रेरित भी कर रही है। आपको बताते चले कि संस्था के सदस्य भी आगे आकर स्वैच्छिक रूप से रक्तदान में जुटे हुए हैं। रक्तदान को लेकर लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियां भी हैं। इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज समाचार एक्सप्रेस की टीम ने सामान्य अस्पताल में लगे रक्तदान शिविर को कवर किया। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, मैं इस समय मौजूद हूं करनाल के सिविल हॉस्पिटल में बने हुए ब्लड बैंक में। आपको मैं पहले भी बता चुका था कि इस तरह से करनाल का एक युवा जिसका नाम पंकज गाभा है, इनका पूरा परिवार ही समाज सेवा से जुटा हुआ है। ये पिछले कई दिनों से लगातार रक्त कैंपों का आयोजन करते आ रहे हैं। इस कड़ी में आज इनके साथ निफा गो ग्रीन जो कि जानी मानी संस्था है, जो कि किसी वह भी किसी परिचय का मोहताज नहीं, इनके संरक्षक प्रीतपाल सिंह पन्नू आज वो खुद भी रक्तदान कर रहे हैं। मैं सबसे पहले पंकज जी से बात करूंगा, इनका कौन सा कैंप है। सर पंकज जी, ये आपका कौन सा कैंप है? इस लॉकडाउन के दौरान हमने 27 अप्रैल से पहला कैंप लगाना शुरू किया था। आज हमारा 14th कैंप है, जिसमें अराउंड 400 के अराउंड हम ब्लड डोनेट करा चुके हैं। और आज मैं धन्यवाद करूँगा पन्नू जी का कि जिन्होंने आज पहल की है। मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी भी संस्थाएँ भी ऐसे आगे आएँ, तो आज गो ग्रीन निफा के सभी सदस्य ने अदर कस्बों से भी, इंद्री से भी, असम से भी, सभी आ रहे हैं डोनेट करने के लिए। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वाली चीज़ हम ये संदेश हम पहले इनके माध्यम से आप तक पहुँचा चुके हैं। पहले भी इन्होंने कहा था कि इस आपदा की घड़ी में राजनीति नहीं होनी चाहिए, जबकि जो भी संस्थाएँ, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो राजनीतिक संस्थाएँ, उनको बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस समय जो संकट की स्थिति पैदा हो रही थी वो हो रही थी थैलीसीमिया से ग्रस्त बच्चे की। अगर हम यहाँ पर पता करने का प्रयास करेंगे तो लगभग 50 से अधिक बच्चे हैं जहाँ पर जिनका यहाँ पर इलाज होता है, और उनको प्रति माह में दो बार रक्त बदलने की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं पन्नू से, जैसे आप देख सकते हैं किस तरह से हो रहा है। पन्नू जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या अपील करेंगे? देखिए, ये जो कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, ये एक अलग सी विचित्र सी स्थिति है। ब्लड डोनेशन कैंप निफा ने पहले भी बहुत किए हैं, और हमारी लगभग इस समय 26 राज्यों में जो ब्रांचें हैं उनमें से मैक्सिमम ब्रांचें इस समय ब्लड डोनेट कर रही हैं, तो ब्लड डोनेशन हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन कोरोना लॉकडाउन में क्योंकि बड़े कैंप जो हैं वो लग नहीं पा रहे, बड़े कैंप आयोजित हो नहीं पा रहे, और रक्तदान के लिए जो है प्रोविज़न वो यहीं पर जो रक्त बैंक है सिविल हॉस्पिटल का, यहीं पर प्रोविज़न रखा गया है। छोटा भाई है पंकज, हमारे लिए बहुत अच्छी समाज सेवा बहुत समय से कर रहे हैं। 14 कैंप यहाँ पर वो लगा चुके हैं, हर कैंप में वो अपने साथ 20-30 साथियों को लेकर आते हैं और यहीं पर रक्तदान करवाते हैं। तो पंकज जी ने हमारी जो निफा गो ग्रीन टीम है, निफा का एक विंग है गो ग्रीन, जिसने लास्ट ईयर बहुत अच्छा काम किया था पर्यावरण संरक्षण के लिए, 10,000 से ज़्यादा पौधे लगाए थे। उस टीम के जो हेड हैं वो राजीव मल्होत्रा जी हैं। तो पंकज जी ने राजीव मल्होत्रा जी से बात की, तो राजीव मल्होत्रा जी ने कहा कि ठीक है, निफा के गो ग्रीन विंग की तरफ से हम यहाँ पर ब्लड डोनेट करेंगे। तो आज पंकज जी के आह्वान पर और राजीव मल्होत्रा जी के कोऑर्डिनेशन में यहाँ गो ग्रीन टीम के, क्योंकि मुझे जो बताया गया कि लगभग एक दिन में 25 लोगों का ब्लड लेने की सुविधा है, तो 25 लोग करेंगे यहाँ पर, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा भी करेंगे, ठीक है। और ये एक है, आगे और भी लगते रहेंगे जब जब ज़रूरत रहेगी।
करनाल की जो सामाजिक संस्थाएं हैं, बहुत से लोग हैं, दीपक सचदेवा है साथी हमारा, वो भी लगातार लगा रहता है, तो बहुत से साथी हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, तो यहाँ लगता नहीं कि रक्त की कभी कमी जो है संस्थाएं आने देगी। पर जब भी जो है दिमानसा रेड क्रॉस से हमेशा साथ लगे रहते हैं, जब भी उनका आदेश हुआ है तब भी हमने कैंप लगाया है, तो आगे भी जब भी कहेंगे, जब भी ज़रूरत होगी, रक्त की कमी नहीं होने देंगे। जितने ब्लड डोनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, अगर ये किसी दिन कहेंगे कि 1000 का कैंप लगाना है तो 1000 का कैंप लगाएंगे और रक्त की कमी नहीं होने देंगे। ये थे पन्नू साहब, इनका ये कहना था कि करनाल में किसी भी तरह से रक्त की कमी नहीं आने दी जाएगी। नीफा पहले भी कई कैंपों का आयोजन कर चुकी है, लेकिन ऐसी स्थिति आ चुकी है कि बड़े लार्ज स्केल पर कैंप का आयोजन नहीं किया जा सकता, इसलिए जो भी स्पेस गवर्नमेंट द्वारा अवेलेबल करवाया जा रहा है वहाँ पर रक्त का अवेलेबिलिटी की जा रही है, रक्तदान के कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि रक्त की कमी ना आए। और सज्जन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस रक्तदान के बारे में? रेड क्रॉस की तरफ से मैं तो समाज सेवी संस्थाओं का आभारी हूँ। इस टाइम में लॉकडाउन के दौरान हर एक 25-25 आदमी आ रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, और आज जो निफा की तरफ से और हमारे साथ में पंकज समाज सेवी जी डेली लेके आ रहे हैं ये 25-25 डोनर को, 14वां इनका कैंप है। ऐसे ही हर एक निरंकारी मिशन से 5 डोनर डेली आ रहे हैं, ऐसे ही और भी संस्थाएं हैं, समाज हमारे संदीप सचदेवा जी हैं, वो भी लगातार 15-15, 20-20। शुरू में तो हम अब गाड़ियों से लेके आते थे और वहीं छोड़ आते थे, अब लोगों को जैसे जैसे हमें छूट मिली है लोगों को आह्वान करते हैं कि वो आते हैं और डोनेट करके जा रहे हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से मैं तहे दिल से धन्यवादी हूँ समाज सेवी संस्थाओं का, राजनीतिक दलों का, कि वो इसको इस तरीके से ना देखें, ये देखें कि जिंदगी बचेगी। एक यूनिट यदि मिलेगा तो 3 लोगों की ज़िंदगी मिलती है। और थैलीसीमिया से पीड़ित जो आप बात कर रहे थे, 80 बच्चों को यहाँ डेली ब्लड मिल रहा है, और दिल्ली जो जा रहे थे दिल्ली जा नहीं पा रहे हैं, और वो आसपास के ज़िलों के भी यहीं पे आ रहे हैं, और उनको यहाँ पे बिल्कुल बदले में ब्लड नहीं लिया जा रहा है, एक भी यूनिट ब्लड बदले में नहीं लेते, ऐसे ही डोनेट कर रहे हैं, ऐसे ही उनको मिल रहा है। तो और मैं कहूँगा डॉक्टर संजय जो वर्मा जी यहाँ पे हैं ब्लड बैंक के इंचार्ज, आज तक मैंने नहीं देखा कि इतने अच्छे डॉक्टर जिन्होंने ब्लड डोनर को खुश करके भेजा है यहाँ से, चाहे बैंडेड लगानी हो, चाहे उन्होंने ब्लड लेना हो, चाहे उन्होंने फार्म भरना हो, उनकी पूरी टीम दिन रात काम में लगी हुई है। इनके साथ लग के दिल करता है कि हम भी इसी तरीके से सेवा करते रहें। देखो, ये थे रेड क्रॉस सोसाइटी से हमारे साथ, इन्होंने बताया कि किस तरह से करनाल की सामाजिक संस्थाएं दिन प्रतिदिन आगे आ रही हैं रक्तदान के लिए, और थैलीसीमिया से ग्रस्त 80 बच्चों को यहाँ पर रक्त उपलब्ध करवाया जा रहा है, उपलब्ध मुहैया करवाया जा रहा, उनको किसी भी तरह कोई भी परेशानी नहीं आने दी जा रही। पंकज जी, अब बताएं आगे आपका क्या प्लान रहेगा इन फ्यूचर में? फ्यूचर में तो प्लान तो यही है, अभी ये निरंतर जारी रखेंगे और ऐसी ही संस्थाएं और भी आगे आएँ, ये क्योंकि ये जो कैंप्स हैं वो आम कैंप्स नहीं हैं, जो लगाए जाते थे, ये थैलीसीमिया बच्चों के लिए कैंप है, जिनको हर थैलीसीमिया के बच्चों को हर महीने में 2 बार ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, एक बच्चे को तो हर 15 दिन बाद उनको ब्लड की ज़रूरत होती है। अराउंड मेरे ख्याल में 1000 से ऊपर 1200 के आसपास बच्चे हैं पूरे हरियाणा में, तो इधर करनाल में जैसे डोनर्स काफ़ी आगे निकल के आ रहे हैं, तो अदर डिस्ट्रिक्ट्स भी ब्लड के लिए यहीं आ रहे हैं सिविल हॉस्पिटल में। तो यही गुजारिश करना चाहूँगा दोबारा से भी, और भी संस्थाएँ आएँ और इंडिविजुअल भी आएँ और राजनीति से उठकर आएँ, और ये क्योंकि ये कोरोना जो बीमारी है, महामारी जो इस टाइम चली हुई है, तो इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कुछ वो नहीं होना चाहिए, सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आके इसमें आगे आना चाहिए। ये थे पंकज जी, जिन्होंने हमें विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने यह भी, मैं आपको ये भी बता दूं, करनाल को इस ऐसे ही कर्म भूमि नहीं कहा जाता, कर्ण की भूमि नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ पर करनाल में बहुत से ऐसे दानी सज्जन हैं जो दिन रात समाज सेवा में जुटे हुए हैं। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं चीफ टेक्निकल ऑफिसर अंजू शर्मा, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगा। मैम, आप इस ब्लड बैंक की में सेवाएं दे रही हैं। मैम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ब्लड के 4 भाग माने जाते हैं, जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव या डी? नहीं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, 4 होते हैं, फिर इनके आगे नेगेटिव। जो जितनी मुझे जानकारी है, मुझे मिला था कि कुछ ऐसे होते हैं ग्रुप्स जो रेयर ऑफ द रेयर होते हैं, मिलने में उनको कठिनाई होती है, ऐसे कौन से ग्रुप हैं? वैसे थोड़ा जो पॉजिटिव में है वो तो ए बी पॉजिटिव का होता है कि कम मिलता है, ठीक है, बाकी नेगेटिव ग्रुप्स रेयर होते हैं,
तो नेगेटिव ग्रुप्स का हम इस पर बैकअप हम पूरा रखते हैं। नेगेटिव ग्रुप का कोई अगर कैंप में देता है तो ठीक है, 42 डेज होता है तो हम अगर ज़रूरत होती है ले लेते हैं, बाकी वॉलंटरी डोनर्स को हम ऑन कॉल रखते हैं तो वो आकर दे देते हैं, उसी टाइम हम फिर टेस्ट लगा कर दे देते हैं, किसी को दिक्कत नहीं होने देते, क्योंकि जितने भी नेगेटिव डोनर्स हैं वो हमारे वॉलंटरी कॉलम के अंदर हमने ऑन कॉल रखे हुए हैं और सब आ जाते हैं। इम्यूनिटी को हम कितने दिन तक सेफ रख सकते हैं? 42 डेज मैक्सिमम। 42 डेज मैक्सिमम। ये थे डॉक्टर अंजू शर्मा, इन्होंने हमारे को जान, डॉक्टर मंजू चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं यहाँ ब्लड बैंक की, इन्होंने जानकारी दी किस तरह से ब्लड के कौन कौन से भाग होते हैं और कौन सा रेयर होता है। लेकिन यहाँ पर करनाल में मैडम, करनाल में क्या स्टेटस है इस समय? इस टाइम हमारे पास वॉलेंट्री नियर अबाउट 50 डोनर्स नेगेटिव के हैं जिनको हम ऑन कॉल रखते हैं और किसी समय में बुला लेते हैं और वो खुश होकर ब्लड देने आ जाते हैं। इन्होंने यह जानकारी दी कि एक ब्लड के यूनिट को 42 डेज तक सेफ रखा जा सकता है। 42 डेज के बाद वो किसी को देने लायक नहीं रहता, इसलिए जो नेगेटिव ग्रुप्स के होते हैं डोनर्स ये उनको ऑन कॉल रखते हैं, यदि किसी की जरूरत होती है तो कॉल करके बुला लेते हैं। और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं नीफा गो ग्रीन विंग के हेड, कह सकता हूँ मैं, मिस्टर राजीव मल्होत्रा। मैं इसे जानने का प्रयास करूँगा, सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए सर, इस संकट की घड़ी में जब सभी लोग एक त्रासदी जो चल रही है उसको फेस कर रहे हैं, इस दौरान में जो ब्लड यूनिट्स होते हैं इसमें सिविल हॉस्पिटल में कम हो जाते हैं, जबकि थैलेसीमिया पेशेंट को हमें रेगुलरली ब्लड देना होता है, हर 15 दिन में उसको ब्लड देना होता है। तो इस वक्त पंकज गाबा जी ने एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया है, मैं इनके पीछे एक या दो कैंप्स में इन्होंने मेरे को बुलाया था तो उसी से प्रेरित होकर हमारी गोग्रीन की टीम आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन के लिए आई हुई है। करीब मेरे को उम्मीद है 30 यूनिट के करीब जो इनकी कैपेसिटी है एक दिन की, वो हम ब्लड यहाँ पे आज अरेंज करके देंगे जी। सर, जैसे मुझे पंकज जी ने बताया था कि अदर दूसरे कस्बों से भी लड़के बुलाए हैं, लड़के आ रहे हैं, वो इच्छुक आपने कॉल करके बुलाए हैं, आपने अपनी मर्जी से आपके पास कॉल आ रहे हैं, वॉलंटियर्स आपको कॉल करके कह रहे हैं कि हम भी इच्छुक हैं? देखिए सर, ये गोग्रीन की टीम है जिसके अंदर आप सिर्फ ये ना मानिए कि भी हमारे इंद्री या आसपास के एरिया के लोग हैं, गोग्रीन से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, ऑल इंडिया में भी जुड़े हुए हैं और ये एक ऐसा कॉज है जिसके अंदर हम एक बड़ी जल्दी निफा की तरफ से और कॉल देने जाएंगे। निफा का ये एक जो यूनिट है जो गोग्रीन का एक प्रोजेक्ट है, ये बस उसी का एक पार्ट है जिसके वॉलंटियर्स आज आ रहे हैं। अब निफा का यूथ ग्रुप है, दूसरे हैं, लेडीज़ विंग है, तो मेरी सभी से ये अनुरोध रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक संस्थाएँ इस काम के लिए आगे आएँ, क्योंकि अगर हम डेली के यहाँ पर रिप्लेनिश कर पाएँ जितने भी ब्लड की इनकी रिक्वायरमेंट है, तो पंकज जी जैसे अब मेरे ख्याल में 15वां या 16वां इनका आज का होगा ये, तो लगातार 25-30 यूनिट से काफ़ी हद तक हम इस चीज़ को कंट्रोल में ला सकते हैं। ये थे राजीव मल्होत्रा जी जिन्होंने जानकारी दी कि नीफा गो ग्रीन के विंग के आज कुछ वॉलंटियर्स आए हैं, लेकिन यह नीफा का जो विंग है ये छोटा नहीं है, पूरे राज्यों में कई राज्यों में इसकी शाखाएँ भी हैं, वहाँ से भी बच्चों को कॉल किया जा रहा है, लोग खुद इनको कॉल करके बता रहे हैं कि हम भी इच्छुक हैं, हम भी रक्तदान करना चाहते हैं। और इससे पहले हम आपको पूरी विस्तार से जानकारी भी दिलवा चुके हैं कि रक्तदान करने से क्या क्या लाभ होता है और एक सक्षम व्यक्ति कैसे और कितनी बारी में रक्तदान कर सकता है। इस समय मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं करनाल के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर राकेश दुआ। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले समाचार एक्सप्रेस की टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आज अपने जन्मदिन के मौके पर डॉक्टर साहब स्वयं रक्तदान के लिए यहाँ करनाल के सिविल अस्पताल में पहुँचे हैं, एक बार फिर से ये बधाई के पात्र हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा, डॉक्टर साहब रक्तदान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? रक्तदान सबसे बड़ा महादान माना गया है और रक्तदान देने से हमारे शरीर में कोई असर नहीं आता है, ये रक्त हमारे 2-3 महीने में अपने आप कवर हो जाता है, कोई शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, कोई बीमारी का वो नहीं रहता है इसको, और हमें इसको करने से डरना नहीं चाहिए। रक्त जितना इंसान के शरीरों में बहे, नालियों में बहने से बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, मैं एक ये चीज़ जानना चाहता हूँ, कोरोना जैसी जो बीमारी चल रही है इसको लेकर आप आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? कोरोना कोई गंभीर बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार की तरह एक वायरल डिजीज़ है, इससे हमें डरना नहीं है। हाँ, साफ़ सफाई, परहेज, इनका ध्यान जरूर रखना है, सोशल डिस्टेंस रखें और भीड़ भड़को वाली जगहों पे मत जाएं, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। कोरोना से सीरियस सिकनेस होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, 1 या 2% ही रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। ये थे डॉक्टर राकेश दुआ, मैं एक बार फिर से इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो डॉक्टर साहब, समाचार एक्सप्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं करनाल के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर संजय, जिनके बारे में आपने सुना भी, जैसे अभी हमें बताया गया था कि इन जैसा नेक सज्जन, नेक डॉक्टर यहाँ पर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। ये जो भी डोनर आता है उसको पुश करके भेजते हैं, उसको मोटिवेट करके भेजते हैं ताकि और भी डोनर आए। सर, एक चीज़ बताइए, एक स्वस्थ व्यक्ति एक कितनी बार में रक्तदान कर सकता है?
एक स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह के बाद रक्तदान कर सकता है और 18 से 65 साल के वर्ष बीच में वो रक्तदान कर सकता है। सर, लोगों के मन में भ्रांतियां हैं कि रक्तदान करने से उनके मन में उनके शरीर में रक्त की कमी आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी या उन्हें कोई और बीमारी ना लग जाए। सर, ऐसी क्या कौन कौन सी भ्रांतियां हैं जिन्हें आप दूर करने का प्रयास करेंगे? मैं आपके माध्यम से सारी भ्रांतियां दूर करना चाहूँगा। ब्लड देने से किसी प्रकार की भी शरीर में कमज़ोरी नहीं आती है, किसी प्रकार की भी कमी नहीं आती है, बल्कि ब्लड देने से हमारी कुछ कमियां जो हैं जो किसी वजह से पूरी नहीं हो पाती बल्कि इससे पूरी हो जाती हैं। जैसे कि जो ब्लड है देने से हमारा बोन मैरो डायरेक्टली स्टिमुलेट होता है, जहाँ पे बोन मैरो वो हिस्सा है हमारी हड्डियों का जहाँ ब्लड बनता है, तो वो स्टिमुलेट होता है जिससे ब्लड और बेहतर क्वालिटी का बनता है। यंग RBCs हमारे सर्कुलेशन में आती हैं, बेहतर एंटीबॉडीज़ ब्लड में आती हैं। ये एंटीबॉडीज़ वही चीज़ हैं जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। जो आजकल बात होती है इम्यूनिटी की, तो ये जो ब्लड देने से रादर आपकी इम्यूनिटी बहुत जल्दी बढ़ती है और आप कोरोना या दूसरी बीमारियां जो भी हैं सभी से फाइट करने की बेहतर स्थिति में होते हैं। इसके अलावा जो दिल की बीमारियों का होने का इंसिडेंस 15 से 20% कम हो जाता है, कैंसर का होना भी जो जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले 1 से 2% कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल में रहता है, ट्राइग्लिसराइड्स LDL जैसे जो इनको हम बुरे फैट कहते हैं इनका जो लेवल है वो कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा जो एक ब्लड का फ्लो बेहतर रहता है जिससे ब्रेन हेमरेज और ब्रेन में क्लॉट की संभावना या दूसरी खून की नलियों में खून का जमने की संभावना, इनका इंसिडेंस भी कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप है रक्तदान के माध्यम से 1 से 3 लोगों की जान बचाते हैं। हम यहाँ पर रक्त को 3 भागों में विभाजित करते हैं, लाल रक्त, सफ़ेद रक्त और प्लेटलेट्स। जिस मरीज़ को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको वो प्रोवाइड किया जाता है जिससे उसका मैक्सिमम इफ़ेक्ट आता है और साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर रहता है। इसके अलावा ब्लड देने से डोनर के 5 टेस्ट भी किए जाते हैं जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के हिसाब से पूरे इंडिया में मैंडेटरी हैं, जिसमें HIV/AIDS बीमारी भी शामिल है, Hepatitis B और C, ये 2 तरह के काले पीलिए हैं, मलेरिया और सिफिलिस। इन 5 बीमारियों के लिए बड़े टेस्ट किए जाते हैं जो कि अमूनन शहर में लैब्स में उपलब्ध नहीं होते, तो उसके रिज़ल्ट से भी हमें पता चल जाता है कि रक्तदाता को भी पता चल जाता है कि उसे ये बीमारी है कि नहीं। अगर बाय चांस कोई दिक्कत आती है तो उसको बताया जाता है कि इसको इससे कैसे निजात पाई जा सके। सर, करनाल में यहाँ पर पिछले निरंतर कई दिनों से मेडिकल कैंप्स लग रहे हैं और बच्चों या जो भी मतलब जिनको रक्त की आवश्यकता है उनको उपलब्ध करवा जा रहा है, क्या आपके सामने ऐसा कोई मामला आया कि किसी के रक्त में कोई संक्रमण पाया गया हो, जैसे आप जो बता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमने लॉकडाउन के दौरान यहीं पर डेली जो हम स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से रेडक्रॉस के माध्यम से यहाँ पर डेली कैंप लगा रहे हैं और यहाँ पर हर रोज़ एवरेज 20 से 25 लोग रक्तदान कर रहे हैं और हम 1000 से ज़्यादा रक्तदाताओं का रक्त ले चुके हैं। और ऑब्वियस है कि जब हम उन यूनिट्स को टेस्ट करते हैं जो 5 बीमारियां मैंने बताई अभी, उसके बाद ही जो है रक्त अगर सही पाया जाता है तो मरीज़ को दिया जाता है, तो उसमें हमें तकरीबन कुछ केसेस में संक्रमण मिलता है, ये Hepatitis B का, सी का या सिफिलिस का, यूजली हमें कुछ केस मिले हैं जो अमूनन मिलते भी हैं। देखिए ये डॉक्टर संजय हमारे साथ, जिन्होंने हमें विस्तार से पूरी जानकारी दी कि किस तरह से रक्तदान करने से कितना लाभ मिलता है रक्तदाता को और जिनको ज़रूरत है उनकी ज़िंदगी बचती है। 1 यूनिट रक्त से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। WBC अलग होता है, RBC अलग और उसमें प्लेटलेट्स निकाला जाता है। तो मैं भी समाचार एक्सप्रेस की टीम की तरफ से अपील लोगों से ये अपील करूँगा कि जो भी सक्षम है और जो भी स्वस्थ है वह अपने जीवन में एक बार रक्तदान जरूर करें, क्योंकि रक्तदान सबसे बड़ा महादान माना जाता है। मैं तरुण मदान, वीडियो जर्नलिस्ट सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। इस समय मेरे साथ बात करने के लिए मुझे सामान्य स्थल के PMO डॉक्टर साहब, रक्तदान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? इस समय मौजूदा स्थिति क्या है सामान्य अस्पताल के ब्लड बैंक की? सामान्य अस्पताल में जब से डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर संजीव, इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और लगातार इनकी मेहनत से ब्लड निरंतर इकट्ठा होता जा रहा है और समय समय पर लगातार कैंप लग रहे हैं जिसमें कई सारी जो NGOs हैं उनका बड़ा योगदान रहा है। अभी आज भी जो यहाँ कैंप चल रहा है उसमें NIFA की तरफ से काफ़ी योगदान दिया जा रहा है और यहाँ
लगभग 8 से 10 ब्लड हर रोज चढ़ाए जाते हैं। अभी तक जो जरूरत है हमें कभी इमरजेंसी में या जो स्त्री रोग विभाग के ऑपरेशन होते हैं हमेशा इमरजेंसी में ब्लड की जरूरत पड़ती रहती है और हमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। ये करनाल की जनता का बड़ा सहयोग मिल रहा है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है हमेशा सहयोग के लिए लोग तैयार रहते हैं। सर, पंकज गापा जैसे युवा जो आगे हैं जो लगातार 14 कैंप लगा चुके हैं, ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे युवाओं को हमें सम्मानित करना तो एक बहुत उनके काम को छोटा करना है। ये लोग हमेशा जो पहले से लगे रहते हैं, हमेशा हमारी बैकबोन की तरह काम करते हैं और जब भी इनको आवाज़ दो हमारी हर जरूरत में हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को न केवल हमें सम्मानित करना चाहिए बल्कि इन लोगों को और कहता कि ये लोग आगे से आगे और लोगों को इस कार्य के लिए प्रेरित कर सके। ऐसे ऐसे समाज के लिए ये लोग प्रेरणा का प्रेरणादायक हैं और मैं जनता से अपील करता हूं कि ब्लड डोनेशन एक बहुत ही पुनीत कार्य है। इससे आप किसी की जान बचा सकते हैं। आप वहां ना रहकर भी आपका जो उसमें किसी भी मरीज की जान बचाने में आपका योगदान रह सकता है। अतः आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्लड दान करें और ब्लड दान से कोई ना तो कोई कमजोरी आती है बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए ये एक तरह से सहायक ही है। आपके स्वास्थ्य को और आपके ब्लड सेल्स को ये बढ़ाता है बार बार ब्लड करने। थैंक यू। ये थे PMO डॉक्टर पीयूष जिन्होंने हमें यह जानकारी दी। अब ये देख सकते हैं ये थे डॉक्टर पीयूष जिन्होंने बताया कि ऐसे युवाओं को लगातार आगे आना भी चाहिए। इन्होंने पंकज गाबा को प्रेरणा स्रोत बताया है। इन्होंने कहा है कि ऐसे युवाओं को आगे आना चाहिए। इनकी वजह से करनाल के सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो गर्भवती महिलाओं को रक्त की आवश्यकता हो। समय समय पर उनकी ज़रूरतों को यही युवा पूरा कर रहे हैं और उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि इनको लगातार ये प्रेरणा के स्रोत रहे और उनको सम्मानित भी करना चाहिए। सर, मैं तरुण मदान, वीडियो जर्नलिस्ट सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.